करालवंदना घोरां मुक्तकेशी चतुर्भुजां कालरात्रिकरालिं का दिव्यां विद्युतमाला विभूषितां दिव्यलौहवज्रखड्ग वामोघोर्ध्वकराम्बुजां अभयं वरदां चैव दक्षिणोद्वागः पाणिकाम् महामेघप्रभां श्यामां तक्षा चैव गर्दभारूढा घोरदंशकारालास्यां पीनोन्नतपयोधरां सुखप्रसन्नवदनास्मेरान् सरोरुहाम् एवं सचयन्तयेत् कालरात्रिसर्वकां समृद्धिधदाम् नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन आदिशक्ति की आंखें खुलती हैं। असुरों के राजा रक्त बीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से इन्हें उत्पन्न किया था। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि नाम काली और कालरात्रि का उपयोग एक दूसरे के परिपूरक है। हालांकि इन दो देवियों को कुछ लोगों द्वारा अलग अलग सत्ताओं के रूप में माना गया है। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकलते रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। माँ काली निरंतर संहार करती हुई विनाश लीला रच रही थी। इनके भयंकर स्वरूप और उत्पात से सृष्टि में हाहाकार मच गया था। महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने उनकी राह में लेटने की युक्ति लगाई थी, ताकि चराचर ब्राह्मण के स्वामी और अपने पति परमेश्वर को अपने पांव के नीचे पाकर देवी शांत हो और अपने मूल स्वरूप में वापस आए। माता कालरात्रि पराशक्तियों यानी कि काला जादू की साधना करने वाले साधकों के बीच बेहद प्रसिद्ध है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। इन्हें दुष्टों के संहार की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। इनके उपासकों को अग्नि जल जंतु शत्रु रात्रि आदि भय कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वे सर्वथा भय मुक्त हो जाते हैं। व्यापार संबंधी समस्याएं, रुक्त मुक्ति एवं अचल संपत्ति के लिए इनकी पूजा का महत्व बताया गया है। इनके पूजन से शनि ग्रह भी शांत होता है। ज्योतिष में शनि ग्रह का संबंध माँ कालरात्रि से माना जाता है। माँ कालरात्रि के पूजन से शनि का प्रभाव कम होता है और साढ़े साती का असर नहीं होता। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए माँ काली की उपासना करते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी गलत उद्देश्य से माँ काली की उपासना कतई नहीं करनी चाहिए। इस दिन साधक का मन सहस्त्रस्तार चक्र में स्थित रहता है। कुंडलिनी जागरण हेतु
जो साधक साधना में लगे होते हैं आज सहस्त्रस्तार चक्र का भेद करते हैं। आज तांत्रिक क्रिया की साधना करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कही जाती है। आज मैं आपको सामान्य पूजा के बारे में बताऊंगी। इनकी उपासना में लाल और काली वस्तुएं का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां कालरात्रि की मूर्ति या तस्वीर रखें। पंचामृत से नहलाकर माता को लाल या काले वस्त्र अर्पित करें। भक्त भी यही रंग के कपड़े पहने तो अच्छा होगा। माता को कुमकुम चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती धूप जलाएं, लाल गुलाबी फूल अर्पित करें। मां कालरात्रि की पूजा चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह के 4 से 6 बजे के बीच कर सकते हैं या मध्य रात्रि कर सकते हैं। मान्यता है कि मध्य रात्रि पूजा यानी कि मिडनाइट की पूजा ज्यादा लाभदायक है। वे शुभंकरी देवी हैं, उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। यह श्लोक सरल और स्पष्ट है, इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 7वें दिन जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतः कालरात्रि माता का मंत्र 108 बार जाप करें, वो इस तरह है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः। भोग में लाल रंग के फल अर्पित करना चाहिए, जैसे कि सेब या चेरी। गुड़ अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। पूजन के बाद घर के सभी सदस्यों में बांटे, अनंतर ब्राह्मण को दान करें। एक वेणे जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल सल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्ण काल रात्रिर्भयंकरी।